गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर बुक चैप्टर नंबर 3 कलेक्टिव नाउंस। कलेक्टिव नाउंस मीन्स समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है समूह यानी कि जो चीज़ें ग्रुप में होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम कलेक्टिव नाउंस का। ये आपको क्लास दी हुई है, बहुत सारे बच्चे हैं। द एंटायर क्लास इज गैदर्ड अराउंड दीपक, यानी कि दीपक के अराउंड, दीपक के चारों तरफ पूरी क्लास है, ठीक है, इकट्ठा हुई है। ही हैज़ ब्रॉट एन एल्बम, एल्बम स्टैम्प्स विद हिम, और उसके पास क्या है, एल्बम है। तो एल्बम किसकी होती है, लर्निंग विंडो। द अ क्लास इज़ अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिंग एज अ होल, यानी कि क्लास किसको बोलते हैं, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे विद्यार्थी एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। एल्बम, जब बहुत सारे फोटोग्राफ्स एक साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एल्बम। तो यानी कि क्लास और एल्बम हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। डेफिनेशन देखिए, अ कलेक्शन, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन विच डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ पीपल थिंग्स और एनिमल्स एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि कलेक्टिव नाउन उसको बोलते हैं जो किसी भी पीपल के ग्रुप को, थिंग्स के ग्रुप को या किसी एनिमल के ग्रुप को एक सिंगल यूनिट में डिस्क्राइब करती है। यानी कि हम एक सिंगल यूनिट का नेम बोल लें और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। जैसे कि अगर हम क्लास बोलते हैं तो यानी कि क्लास से मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। एल्बम बोलते हैं, एल्बम से मतलब कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। तो ये एक वर्ड पूरी यूनिट को डिस्क्राइब कर देता है कि ये किसके बारे में बात हुई है। जैसे कि आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में जो ये रेड कलर से वर्ड दिए हुए हैं ये सब हमारे कलेक्टिव नाउंस हैं, ठीक है। जैसे कि क्लासेस किसकी होती है, स्टूडेंट्स की होती है। बैंड म्यूजिशंस को बोलते हैं, ट्रूप डांसर्स होता है, ठीक है। टीम प्लेयर्स की होती है। नेक्स्ट पेज, ये भी आपके कलेक्टिव नाउंस के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये एनिमल्स के बारे में है, ये पीपल के बारे में है और ये थिंग्स के बारे में है। जैसे कि गैगल, यानी कि जब गैगल होता है, गैगल किसका होता है, गीज का। जब बहुत सारे गीज एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं गैगल, यानी कि गीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैगल। पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, जब आउल्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, ग्रुप ऑफ, कलेक्शन ऑफ आउल्स, तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। प्राइड ऑफ लायंस, जब बहुत सारे लायंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ लायंस या ग्रुप ऑफ लायंस, तो उसको बोलते हैं प्राइड। स्कूल ऑफ हिप्पोज, हिप्पोज जब एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं स्कूल ऑफ हिप्पोज, यानी कि हिप्पोज का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कूल। कैनल ऑफ डॉग्स, जब बहुत सारे डॉग्स एक साथ होते हैं ग्रुप में तो उसको बोलते हैं कैनल। स्वार्म ऑफ रैट्स, जब रैट्स, फ्लाइज या बीज ये सब इकट्ठे होते हैं एक साथ ग्रुप में उसको बोलते हैं स्वार्म। फ्लाइट या फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जब बर्ड्स एक साथ आती हैं, बहुत सारे पक्षी एक साथ आते हैं, चिड़ियाँ एक साथ आती हैं, उसको बोलते हैं फ्लाइट या फ्लॉक। हॉल, स्कूल या शॉल ऑफ फिश, यानी कि फिश का क्या होता है, स्कूल, या इनमें से हम किसी में भी इसको ग्रुप में रख सकते हैं। हाइव या स्वार्म ऑफ बीज, बीज का अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, बीज स्वार्म, और बीज को हाइव भी बोल सकते हैं, यानी कि बीज के ग्रुप को जब बहुत सारी बीज एक साथ इकट्ठा हो सकती हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइव। पैक ऑफ वॉल्स या हाउंड्स, होस्ट ऑफ स्पैरोज, स्टैरोप्स का कलेक्शन। जू ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जब बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जू। मर्डर ऑफ क्रोज, यानी कि क्रोज मतलब कौवे, जब बहुत सारे एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं मर्डर ऑफ क्रोज। लिटर ऑफ कब्स एंड पपीज, कब्स कैट के बेबीज को बोलते हैं और पपीज डॉग के बेबी को, यानी कि जब इन दोनों के बेबी बहुत सारे ग्रुप में आते हैं तो उसको बोलते हैं लिटर। एक्सल्टेशन ऑफ लार्क्स, कॉलोनी ऑफ एंट्स, टीम ऑफ हॉर्सेस, डक्स एंड ऑक्सेंस, यानी कि जब हॉर्सेस, बहुत सारे घोड़े, डक्स और ऑक्सन एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं टीम। हर्ड ऑफ डियर, कैटल, एलिफेंट, गॉट्स और बुफेलोज, जब इनमें से कोई भी चीज़ ग्रुप में होती है उसको बोलते हैं हर्ड। ये सभी पीपल के बारे में है। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जब बहुत सारे म्यूजिशियंस एक साथ होते हैं बैंड। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गैंग ऑफ लेबरर्स, गैंग या पैक ऑफ थीव्स, ग्रुप या ट्रूप ऑफ डांसर्स, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़,
ऑयर ऑफ सिंगर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बंच ऑफ क्रोक्स, ट्राइब ऑफ नेटिव्स, ऑडियंस ऑफ लिसनर्स, ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, क्रू ऑफ सेलर्स, फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट्स, क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं क्राउड, रेजिमेंट या आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जब सोल्जर्स यानी कि सिपाही एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं सोल्जर्स, यानी कि जब हमारे घर में से कोई पुलिस लाइन में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे घर, मेरे पापा तो आर्मी में हैं, तो आर्मी मतलब आर्मी ग्रुप को बोला गया है, आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं तो यानी कि सोल्जर का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आर्मी। ये थिंग्स के बारे में है। ट्रीज़ का फॉरेस्ट होता है क्लम्प या क्लस्टर। पैक ऑफ कार्ड्स, जब बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। फ्लीट ऑफ शिप्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स, बुके या बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज एंड ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स आते हैं, ग्रेप्स अकेला तो नहीं आता जब हम ग्रेप्स को ख़रीदते हैं, ग्रुप में आता है, गुच्छा आता है ग्रुप का, ग्रेप्स का एक गुच्छा आता है अंगूर का और उसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बंच। स्टैक या पाइल ऑफ वुड, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ग्रुप ऑफ स्लैंड्स, चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, हेड्स ऑफ बशेस, क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट मतलब धूल। लाइब्रेरी या पाइल ऑफ बुक्स, जब बहुत सारी बुक्स एक साथ इकट्ठा होती हैं, एक साथ रखी रहती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी या पाइल। वेड ऑफ नॉट्स, क्रेट ऑफ बॉटल्स, क्लच ऑफ एग्स, गैलेक्सी, कॉन्स्टेलेशन या क्लस्टर ऑफ स्टार्स, और एल्बम ऑफ स्टैम्प्स, फोटोग्राफ्स और ऑटोग्राफ्स। तो ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊँगी।